तद अभिप्रेतमालक्षय भ्रातरोच्युत चोदितः धनं प्रहीनं आजवहूर उदीचयाम दिशि भूरिशः उदीचयाम। वेल, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया उनके भाइयों ने, उसके भाइयों ने। एनीवे, सो ये मैंने कल बताया था कि युधिष्ठिर महाराज भगवान का राजसी यज्ञ करना चाह रहे थे, नहीं, और ऑफ कोर्स भगवान का राजसी यज्ञ करने के लिए उन्होंने कुछ भाना बनाया। भाना ये था कि ऋषि महाराज ने कहा मुझे बहुत ग्लानि है कि इतने सारे निर्जीव लोगों की हत्या हो गई कुरुक्षेत्र के महाभारत में, और इसलिए मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ उसके प्रायश्चित के रूप में। और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए फिर मैं प्रायश्चित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, तो अश्वमेध यज्ञ करने से फिर धन आएगा तो राजसी यज्ञ होगा, है ना, और भगवान का अभिषेक होगा। सो सारी चीज़ें, ऐसा लगता है कि युधिष्ठिर महाराज एक मंडेन एक्टिविटी कर रहे हैं, साधारण लौकिक क्रिया, जैसे और लोग अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और लोग राजसी यज्ञ करते हैं, युधिष्ठिर महाराज भी वैसे ही राजा हैं, पर इंटरनली उनका जो ध्येय था, उनका जो प्रयोजन था, वो था भगवान की प्रशंसा करना, भगवान का यश इस त्रिभुवन में फैलाना, दैट्स व्हाट। क्योंकि राजसी यज्ञ में शिव जी, ब्रह्मा जी, ये सब लोग भी आए थे, देवी देवता सब आए थे। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं तद अभिप्रेतम आलक्षय, युधिष्ठिर महाराज का अभिप्रेत, अभिप्रेत समझते ना, अभिप्रेत मतलब इच्छा, युधिष्ठिर महाराज का अभिप्राय समझकर, एक्चुअली उनके भाई समझ गए आलक्षय, आलक्षय मतलब उन्होंने लक्षित कर लिया, उनका अभिप्राय समझ लिया, क्योंकि ऑफकोर्स युधिष्ठिर महाराज के भाई भी सब डिवोटीज ही हैं, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, स्पेशली भीम, ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी, सभी पांडव, और वो लोग समझ गए। क्यों? क्योंकि एक चोर ही चोर को समझ सकता है, उसी प्रकार एक वैष्णव भी दूसरे वैष्णव को समझ जाता है। अगर युधिष्ठिर महाराज का ये इंटेंशन, अगर युधिष्ठिर महाराज का लक्ष्य अपने आप को आगे बढ़ाना था या अपने आप को किंग दिखाना था, नहीं, अगर स्वार्थ होता उसमें, तो उनके भाई हेल्प नहीं करते, क्वेश्चन ही नहीं था, स्पेशली भीम तो बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाले थे। बट क्योंकि सारे पांडवों ने हेल्प की युधिष्ठिर महाराज की, इसलिए हमें सब पता लगता है कि युधिष्ठिर महाराज की इंटेंशन बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। इसलिए कभी कभी क्या होता है, ये लिखा जाता है वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाए, वैष्णव क्या कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो समझना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए आपको भी एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप बीमार हो और किसी डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिंस देगा नहीं और ट्रीटमेंट देगा, मगर आप फिर किसी तो सपोज आपके आपके कोई भाई भाई हैं कोई, वो भी डॉक्टर हैं, तो आप बोलोगे हाँ मैं डॉक्टर के पास जा रहा था, तो पूछेगा क्या मेडिसिंस, क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या बीमारी है, तो आप बोलोगे हाँ ये बीमारी थी, उसने ट्रीटमेंट दिया, तो वो डॉक्टर कहेगा हाँ बिल्कुल ठीक दिया है। आपका भाई अगर वो भी डॉक्टर है तो कहेगा हाँ बिल्कुल ठीक दिया है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो वो कैसे समझ गया, क्योंकि उसको भी एक्सपीरियंस है। सो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी दूसरे एक्सपीरियंस्ड आदमी को समझ सकता है, एक अनुभवी व्यक्ति दूसरे अनुभवी व्यक्ति को समझ जाएगा, मगर जो नए डिवोटीज हैं वो एडवांस डिवोटीज को समझ नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृता में कोट किया है, कि एक बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने घर में थे अपने भाई के साथ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई का नाम क्या था ना, जस्ट फॉरगॉट, भाई का शायद नाम नहीं दिया, शायद अपने भाई के साथ थे घर में,
कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृता लिखी है, पता है ना किताब। उनका गांव झमटपुर में है, हम लोग गए थे झमटपुर गॉड मंडल में, ये ब्यूटीफुल गांव, और उनका घर है, उनकी ड्यूटीज़ हैं, पर्सनल ड्यूटीज़ नहीं है वहाँ झमटपुर में। तो वहाँ पे अपने घर में रहते थे, तो वहाँ पे एक बार उनके घर में मणिकेतन रामदास आ गए, वो नित्यानंद प्रभु के नित्यानंद प्रभु के बहुत बड़े डिवोटी थे, और थोड़े से साइको भी टाइप के थे साइको मतलब हमारी लैंग्वेज में साइको, बट प्रेम में मत थे, मतलब वो नॉर्मली बिहेव नहीं करते थे। नित्यानंद प्रभु के सारे डिवोटीज थोड़े से आगल पागल टाइप के हैं, अवधूत टाइप के हैं। सो मैंने एक दिन रामदास आए उनके घर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत अच्छी तरह उनको आदर सत्कार किया, तो एकदम से मणिकेतन रामदास बांसुरी बजाने लगे, कीर्तन करने लगे, बोलो हरे कृष्ण कीर्तन सबने किया, बांसुरी बजाने लगे, और एकदम से कूद के किसके किसके कंधे पे बैठ गए थे, कोई वहां पे कोई डिपोटी था, चेयर से कूदे और उसके कंधे पे बैठ गए। तो अब बोलने लगे चलो चलो, और कीर्तन करने लगे। सो एक्चुअली ये सब देखकर जो कृष्ण कविराज को समझ के भाई थे, उन्हें कहा क्या पागल आदमी है, नहीं अगर मान लीजिए आप किसी के, मान लीजिए आप हमारे यहाँ कीर्तन कर आओ यहाँ मंदिर में, और हम लोग कूद के आपके कंधे पे बैठ जाए तो क्या होगा। सो मणिकेतन रामदास उसके कंधे पे बैठ गए और बोलने लगे मैं विष्णु हूँ और तुम गरुड़ हो, चलो आगे चलो। मतलब उनको भगवान के विष्णु और गरुड़ जी का पास टाइम याद आ रहा था, जैसे नहीं अगर स्मरण आ रहा था तो वो उसको एनेक्ट कर रहे थे वहाँ। सो क्योंकि वो उस पास टाइम में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब थे, कभी कभी जब आप लीला में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब जाता है कोई डिवोटी, तो वो वैसे ही एक्ट करने लगता है। जैसे गोपियाँ हैं, गोपियाँ जब कृष्ण चले गए तो विरह में महाभाव आ गया था गोपियों को, पागल हो गई भगवान से विरह में, और इतना ज़्यादा स्मरण आ रहने का गोपियों को, कुछ गोपियाँ कालिया बन गई, कुछ गोपियाँ श्री कृष्णा बन गई, कुछ गोपियाँ अघासुर बन गई, कुछ गोपियाँ कृष्णा बन गई, तो वो पास टाइम्स करने लगे थे, जैसे बच्चे नहीं करते, खेलते नहीं कि मैं राम बनूंगा तुम हनुमान बनोगे, वो उसकी पवर्ड रिफ्लेक्शन ही है कहीं। मगर ये गोपियाँ इस तरह इस पर का मणिकेतन रामदास भी करने लगे, तो कृष्णा के बराज को जो भाई है उन्होंने कहा ये पागल है, ये तो नित्यानंद प्रभु और उनके सारे डिवोटी पागल है, चैतन्य महाप्रभु ठीक है। उसके माइंड में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के माइंड में ऐसा कभी नहीं आया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, डिवोटी हैं, और उनके माइंड में नित्यानंद प्रभु और उनके डिवोटीज के बारे में कुछ नहीं आया। क्योंकि क्यों नहीं आया, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई थे वो कनिष्ठ अधिकारी थे, वो मणिकेतन रामदास जी के भाव समझ नहीं पाए, क्योंकि उनमें ही खुद नहीं था कुछ भी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी एडवांस डिवोटी थे, उनको समझ आ गया कि मणिकेतन रामदास पागल नहीं है, मणिकेतन रामदास महाभाव में है भक्ति के। सो उसी तरीके से तद अभिप्रेतम आलक्ष्य, सारे पांडव युधिष्ठिर महाराज का लक्ष्य समझ गए, और इसलिए भक्ति सन्द सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जैसे आप लोग हो, सब लोग कॉन्ग्रीगेशन हो, कुछ सीनियर डिवोटीज कर रहे हैं, तो एकदम से डाउट नहीं करना चाहिए कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग नहीं समझ पाओगे, नए डिवोटीज समझ नहीं सकते जो सीनियर कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ सोच के कर रहे हैं कुछ चीज़ें। अगर आपको कुछ लगता है कि क्यों कर रहे हैं तो पूछ लो, अच्छा लॉजिकली पूछ लो, चैलेंजिंग वे में नहीं, प्रभु जी हमें समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, वो बता देंगे। जैसे बच्चे समझ नहीं पाते मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, जैसे जो तो जब बच्चे टीन्स में आते हैं, टीन्स समझते हैं ना, यूथ जब कैसे कहेंगे, टीन्स में जवान जब हो रहे होते हैं, जब बड़े हो रहे थे 13, 14, 15, 16, तो सारे बच्चे पेरेंट्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं, नहीं बात नहीं मानते, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं होता है, एज आती है एक। उनको समझ नहीं आता क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है, पेरेंट्स एक्सपीरियंस्ड हैं, पेरेंट्स कुछ करते हैं, बच्चे कहते हैं ऐसा क्यों है, फिर जब बड़े होते हैं तो बच्चों को समझ आ जाता है, और जब उनके बच्चों के अपने बच्चे होते हैं तब समझ आते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे थे
उस टाइम कुछ नहीं समझ आता क्योंकि खुद उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि बच्चे रखना क्या होता है। सो ऐसे ही है, वैष्णव को वैष्णव ही पहचान सकता है। अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हो, तो सीनियर्स को फॉलो करना ही एक बेटर अप्रोच है। और जो वो कहें कर लो, अगर नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, चैलेंज नहीं कर सकते, तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। दैट्स अ गुड आइडिया। भक्ति सारायण ठाकुर कहते थे इसलिए जो नए डिवोटीज हैं वो बहुत बड़े रिस्क में होते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, डिवोटी सीनियर डिवोटी ऐसे क्यों कर। ऑफकोर्स कई सीनियर डिवोटीज गलत भी करते हैं चीज़ें और रॉन्ग चीज़ें भी होती हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ लग रहा है तो पूछ लो, बस दैट्स ऑल, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़े टाइम फॉलो कर सकते हो और डिवोटी से पूछ सकते हो, सीनियर डिवोटी से, और सीनियर डिवोटी से सबसे मिल, अगर वो भी आपको समझा दे कि ऐसे ही है तो फिर ठीक है, फिर आप फॉलो कर लो, दैट्स ऑल, फिनिश, काम खत्म हो गया। तो इसको कहते हैं तत् अभिप्रेतम आलक्ष्य। भक्ति मतलब यही है, ये जो शब्द है ना अभिप्रेतम, भक्ति मतलब वैष्णवों का और भगवान का अभिप्राय समझना। भक्ति मतलब है कि भगवान आप क्या चाहते हैं, दैट्स ऑल, आप क्या चाहते हैं। मैंने कल बताया आपके लिए क्या करूं, है ना, वही है ना, आप क्या चाहते हैं, जो भगवान चाहते हैं वो हम लोग करते हैं, बस एज सिंपल एज दैट। अगर आपको भगवान की इच्छाएं पता लग गई और भगवान की इच्छाएं पूरी कर रहे हो, उसको भक्ति करते हैं कहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम उनका नाम लें, इसलिए हम ले रहे हैं। हम भगवान का नाम कोई भगवान का नाम थोड़ा ना ले रहे हैं क्योंकि हम सुपर हीरो बनना चाहते हैं, ये हम कुंडलिनी जागृत करेंगे करें, नहीं नहीं, भगवान कोई आपसे पूछे भगवान का नाम क्यों ले रहे हो, क्योंकि कृष्णा चाहते हैं, दैट्स ऑल, फिनिश। हाँ, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न हो सकता है, ब्ला 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 ब्ला, कॉन्शियसनेस प्योर होगी जो होगी, बट एक सिंपल रीज़न है, भगवान चाहते हैं। और आप मंदिर में क्यों आते हो, भगवान चाहते हैं। मंगल आरती में क्यों आते हो, भगवान चाहते हैं। आपको कैसे पता भगवान चाहते हैं मंगल आरती में आना, शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र किसने बोले हैं, भगवान ने तो बोले हैं, है ना, निश्वसितम, भगवान के साहस हैं शास्त्र। सो इसे श्रील प्रभुपाद ने कहा था, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स डिजायर, भगवान की इच्छा को समझना, परंपरा की इच्छा को समझना, गुरु की इच्छा को समझना, वही भक्ति है। वैष्णवों की इच्छा को समझना, वही भक्ति है, उसी को प्रेम कहते हैं। नहीं, इच्छा को समझना ही तो प्रेम कहते हैं। आप जिससे प्रेम करते हो उसकी इच्छा ही तो समझते हो कि भी क्या कर सकते हैं हम, पहले ही समझते हो और वो पूरी कर देते हो, तब उनको लगता है हाँ हमसे प्रेम करते हैं। ऐसे ही होता है, नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी से प्रेम करते हो तो उसके लिए कोई गिफ्ट लिया है, तो वो गिफ्ट कहेगा अरे मेरे लिए गिफ्ट किया है, मैं तो यही चाहता था, तो आप कहोगे हाँ हाँ मैं समझ गया था, तभी तो प्रेम, आप कहोगे हाँ तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, ऐसे ही है ना, तभी पता लगेगा ना। सो तम अभिप्रेतम आलक्ष्य भ्रात्रो अच्युत चौदित। सो भ्रात्रो अच्युत, भ्रात्रो मतलब उनके भाई, अच्युत मतलब होता है भगवान कृष्ण का एक नाम है। अच्युत क्यों है नाम भगवान कृष्ण का, सिंपल है, अच्युत, च्युत मतलब होता है गिर जाना, अच्युत मतलब होता है जो कभी नहीं गिरता। हाँ, जो कभी गिरते नहीं। सो ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान के बारे में जो कभी गिर नहीं सकते, भगवान तो गिर ही नहीं सकते, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है। मतलब ये कोई भगवान की, ये कोई भगवान की ग्लोरीज थोड़े ना है कि भगवान कभी गिर नहीं सकते। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए शीला प्रभुपाद हैं, ठीक है, और आप प्रभुपाद की प्रशंसा कर रहे हो कि प्रभुपाद बहुत कृपालु थे, बहुत गंभीर थे, बहुत सत्यवादी थे, और शीला प्रभुपाद कभी भी 16 माला से कम माला करते नहीं थे, तो क्या प्रशंसा है, 16 माला तो करते ही हैं, कभी भी शीला प्रभुपाद ने अपने राउंड छोड़े नहीं, कितने महान थे, ये नॉनसेंस है, नहीं प्रभुपाद राउंड नहीं छोड़े, ये प्रशंसा नहीं है, ये तो निंदा है। सो ऐसी भगवान को अच्युत कहना, अच्युत क्यों कह रहे हैं, भगवान कभी गिर नहीं सकते, तो निंदा हो गई अगर एक तरह से देखा जाए। क्या आप क्या कहते हो कि भगवान के कभी गिरते भी हैं, जब कह रहे हो कि भगवान कभी गिर नहीं सकते, है ना। सो क्यों कह रहे हैं, क्यों नाम है भगवान का अच्युत, नॉर्मल
ऐसा कह सकते हो। हाँ, श्रीला प्रभुपाद कुछ लिख रहे हैं फर्स्ट कैंटो में। प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं यही कि भगवान ऐसे एक्शंस, भगवान कभी कभी निम्न सेवा करते हैं। यही बात सही है वैसे। जैसे भगवान ने रणचोर में युद्ध से भाग गए और गोपियों के कपड़े चोरी किए, नहीं चोरी की। उसके बाद भगवान अर्जुन के रथी बने, बहुत मतलब रथी क्या, एक बिल्कुल लो सर्विस है, नहीं लो पोजीशन ली। तो भगवान कभी कभी ऐसे काम करते हैं जो सोसाइटी में लो लगते हैं, नहीं चोरी करना। और कभी कभी भगवान पोजीशंस भी ऐसी लेते हैं जो लो है। भगवान ने रात से यज्ञ में जूते की सेवा ली, बट फिर भी भगवान को हम ये नहीं कहते अरे अरे कैसा काम कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं, बल्कि प्रशंसा करते हैं कि भगवान रण चोर रहे हैं, रण छोड़ के चले गए। और चौर अष्टकम प्रशंसा करते हैं, भगवान ने चोरी की नहीं, निंदा नहीं हुई, लोग ने निंदा नहीं की अरे चोरी की, लोग ने प्रशंसा ही की अगर चोरी भी की तो, प्रशंसा ही की अगर युद्ध से भी भाग गए तो। सो भगवान चाहे अच्छा काम करें चाहे बुरा काम करें, बुरा काम करके लोग गिर जाते हैं, निंदा होती है। भगवान अगर बुरा काम करें लौकिक दृष्टि में तो उनकी और प्रशंसा होती है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, अच्युत। अच्युत मतलब जिनका फेम कभी नहीं गिर सकता। फेम समझते हो, फेम कैसे कहेंगे, जिनकी प्रसिद्धि कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, कभी भी नहीं गिर सकती, उसको कहते हैं अच्युत। इसका मतलब है अच्युत, वो चाहे कुछ भी करें और प्रसिद्धि बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, कभी भी कम नहीं होगी। हम लोग कुछ करेंगे तो हो सकता है कभी निंदा हो कभी प्रशंसा हो, भगवान के केस में नहीं है, इसलिए उनका नाम अच्युत है, जिसका फेम कभी नहीं गिरता। अगर आप कहो कभी भी माया में भगवान नहीं गिरते, वो तो गलत ही हो गया, भगवान तो मायाधिपति हैं। जिसकी प्रशंसा कभी नहीं गिरती, जिसकी प्रशंसा कभी भी नष्ट नहीं होती, उसको बोलते हैं अच्युत। सो यहाँ पे लिख रहे हैं अच्युत च उदितः। ये जो इच्छा थी युधिष्ठिर महाराज में जो आई थी कि मैं भगवान का राजसी यज्ञ करूँगा और उसके लिए मैं ये बहाना बनाऊँगा जो भी है मैंने बताया पाप लग गया अश्वमेध यज्ञ, ये जो था उदितः, प्रेरणा किसने दी थी, अच्युत उदितः, भगवान ने ये प्रेरणा दी अच्युत ने। एक्चुअली और मतलब सब भगवान की कृपा से ही होता है। युधिष्ठिर महाराज में जो आइडिया था कहाँ से आया, भगवान कृष्ण से आया। भगवान कृष्ण की प्लानिंग थी कि युधिष्ठिर महाराज ऐसा करें, और इसलिए वैष्णव कुछ भी करता है कुछ भी सोचता है उसको पता है कि इसकी प्रेरणा स्तोत्र कौन है, कृष्ण है। वो कभी भी उसका क्रेडिट नहीं लेता, वो कभी भी नहीं सोचता कि मेरी इच्छा से या मेरे आइडिया से ऐसा हुआ है, नहीं नहीं इसकी प्रेरणा स्रोत सारे अच्छे विचारों का प्रेरणा स्रोत भगवान है, और सारे बुरे विचारों का प्रेरणा स्रोत कौन है, हम खुद हैं। बस ये रूल है। तो कभी भी आपके माइंड में अच्छे विचार हैं तो भगवान कृष्ण की प्रशंसा करनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, हाँ मेरी भक्ति अच्छी है इसलिए अच्छे विचार आ रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारी भक्ति वक्ति कुछ नहीं है। और कभी भी बुरे विचार आए तो क्या सोचना चाहिए, तो अपनी निंदा करनी चाहिए कि देखो मैं इतना गंदा हूँ, ऐसे गंदे गंदे थॉट सोचता हूँ, ये डिवोटी है, दैट्स अ डिवोटी। तो अच्युत च उदितः धनम प्रहीनम आजहुर उदीच्याम दिशि भूरिशः। तो भगवान कृष्ण ने बोला ठीक है पांडवों से कि तुम लोग जाओ उदीच्याम दिशि, कोई कोई नॉर्थ कोई कोई दिशि मतलब डायरेक्शंस, कोई नॉर्थ में जाओ कोई साउथ में जाओ कोई वेस्ट में जाओ, और धनम प्रणीहम प्रहीनम, और धन कलेक्ट करके लाओ। ये जो वर्ड है प्रहीनम प्रहीनम, प्रहीनम मतलब होता है एकत्र करना, धन को एकत्र करके लाओ। प्रीणनम प्रहीननम मध्वाचार्य यूज कर रहे हैं अपनी स्तुति में कि जैसे प्रहीननम, हम लोग किसको, वैष्णव किसको एकत्र करते हैं, प्रहीनम प्रीननम, प्रीननम होता है प्रहीनम प्रीननम,
प्रेरणा मतलब होता है प्रीति। तो धन धन इकट्ठा करके रहा भगवान ने कहा ठीक है चलो और अश्वमेध यज्ञ हम करेंगे। सो कृष्णा क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि कृष्णा भी समझ गए। कृष्णा क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस मिशन को, क्यों कर रहे हैं सपोर्ट, क्या पूछ रहा हूँ क्यों कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रैक्टिकल पॉइंट। सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं इस मिशन को, इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि मिशन किसके लिए हो रहा है, तो अपने में अपने जब उनके लिए हो रहा है तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कॉमन सेंस है। अगर मान लीजिए आप लोग कोई प्रोजेक्ट उठाओ और उस प्रोजेक्ट से मैं फेमस हो रहा हूँ तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, कॉमन सेंस है और क्या है। सो भगवान को समझ आ गया कि मेरे लिए हो रहा है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। अगर भगवान को समझ आ जाता कि मेरे लिए नहीं हो रहा, अपने लिए हो रहा है, अपनी पूजला प्रतिष्ठा भगवान सपोर्ट नहीं करते। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग मिल रही है कि भगवान उस हर मिशन हर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे जो भगवान के लिए किया जा रहा है, अल्टीमेटली पूरी हेल्प आएगी। मगर अगर आप संसार में कोई प्रीचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और उसमें आपका कुछ मिक्सर है, स्वार्थ या अपना एजेंडा है, तो भगवान उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करने वाले। इसलिए निडर होके हमें सिंसियरली भगवान का प्रचार, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि क्यों करनी चाहिए, क्यों, अगर आप केवल भगवान के लिए कर रहे हो तो भगवान सोचेंगे भी मेरा ही तो काम है, भगवान उसको पूरा करेंगे, अपने काम में तो सभी इंटरेस्टेड है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं सबसे बड़े स्वार्थी तो कृष्ण ही है। सो एक स्वार्थी आदमी अगर उसके लिए कुछ हो रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा नहीं, बिजनेसमैन भी कहाँ छोड़ते हैं नहीं। तो भगवान देखेंगे अरे मेरे लिए कर रहा है, इसको तो प्रमोट करना है, बस दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया, तो हमें टेंशन की क्या बात है। अगर आप सिंसियरली केवल भगवान के लिए कर रहे हैं, सिद्धिष्ट महाराज कर रहे हैं, तो फिर तो सक्सेस होगी ही होगी, चाहे थोड़े टाइम ऊपर नीचे चीज़ें हो जाएं, मगर अल्टीमेटली सक्सेस होगी, क्योंकि भगवान सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। आप कहोगे भगवान की सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरा काम थोड़ा ना, उनका काम है। और अपने काम अपने बिजनेस को लॉस में कोई भी जाने नहीं देता, दूसरे के बिजनेस को तो ठीक है उसकी मर्जी, मेरा बिजनेस है मैं कैसे लॉस में जाने दूँ। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी शरण लोगे, मेरी शरण मतलब अगर तुम मेरा काम करोगे मेरी इच्छा समझ के, तो कोई लॉस नहीं है, हमेशा विक्ट्री है, तत्र श्री विजय और विजय है। ये ट्रिक है भक्ति करने की, दैट्स ऑल। अन्य विलासिता शून्यम, प्योरली केवल भगवान की इच्छा को पूरी करना, भगवान का काम करना, भगवान के यश के लिए प्रयास करना, तो फिर बस सक्सेस है ही उसमें कोई लॉस हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर लॉस हुआ तो भगवान को लॉस होगा, और भगवान कभी भी अपना लॉस होने नहीं देते, भगवान की हार कभी नहीं हो सकती। दैट्स द होल आइडिया। महाभारत में कितनी चीज़ों ऊपर नीचे हुई नहीं, पांडवों को वनवास मिला, ये हुआ वो हुआ, मगर पांडवों को पता था कि हम जो भी कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण की प्रशंसा के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के यश के लिए कर रहे हैं, वो खुश थे, उनको पता था अल्टीमेटली विक्ट्री तो हमारी है, चाहे दुर्योधन कितना ही स्ट्रांग बन जाए, कितना ही कोशिश कर ले मारने मुड़ने की, कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो दैट्स दिस वर्स ऑल अबाउट। हरे कृष्णा, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस? क्या कह रहे हो? कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा।